मछलियों के वर्ग में मछलियों का एक विशेष वर्ग ऐसा होता है जो स्पेशल है और इसी वजह से इनको लार्वा बची मछलियाँ कहा जाता है। ये वह मछलियाँ हैं जो विभिन्न प्रकार के लार्वा का भोजन करती हैं, इसलिए इनको लार्वी वोरस फिशेस कहते हैं। इस प्रकार की मछलियों में या तो जो इनका एडल्ट फिश है, वयस्क मछली है, वो लार्वा का भोजन करता है, या फिर जो इनके अपने लार्वा हैं वो दूसरे जीवों के लार्वा का भोजन करते हैं। तो इसके आधार पर इन मछलियों को लार्वा भक्षी मछलियाँ या लार्वी वोरस फिशेस कहते हैं। और इस प्रकार की मछलियाँ जो है वो हमारे मीठे जल के जो तालाब हैं, पोखर हैं, इनमें पाई जाती हैं और नदियों में पाई जाती हैं। वहाँ पर ये विभिन्न जीवों के जो लार्वा हैं उन पर जो है अपना भोजन करती हैं। तो आइए शुरू करते हैं लार्वा बच्ची मछलियों के बारे में। सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि लार्वा क्या है। लार्वा इज द इंटरमीडिएट स्टेज इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म। जो लार्वा होता है वो कुछ ऐसे जीव हैं, कशेरुकी और अकशेरुकी दोनों प्रकार के जीव हैं, जिनमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान एक मध्य अवस्था के रूप में उत्पन्न होता है, यानी कि ये एक इंटरमीडिएट स्टेज है कुछ जीवधारियों के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, यानी भ्रूणीय विकास के दौरान लार्वा एक विशेष अवस्था कुछ प्राणियों में उत्पन्न होता है। ऐसे प्राणियों में अंडों से लार्वा निकलता है और यह लार्वा फिर प्यूपा में बदलता है और यह प्यूपा फिर एडल्ट में बदलता है। या किसी किसी जीवों में प्यूपा स्टेज नहीं होता है, जो लार्वा है वो सीधे कायांतरण के द्वारा एडल्ट में बदलता है। तो विभिन्न जीवों के भ्रूणीय विकास के दौरान लार्वा एक मध्य की अवस्था है जिनसे होके वह जीव वयस्क जीव के रूप में बदलता है। नाउ मेनी फिशेज लार्वी एंड एडल्ट फिश फीड ऑन लार्वी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अनेक मछलियाँ ऐसी हैं, चाहे उनकी लार्वी हो या फिर एडल्ट मछली हो, ये विभिन्न जीवों के लार्वी का भोजन करती हैं और इसीलिए इन्हें लार्वी वोरस फिशेज कहा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जो ऐसे जीव जिनके लाइफ स्टेज में जिनके भ्रूणीय विकास के दौरान लार्वा बनते हैं उनमें एक प्रमुख समूह है मच्छरों का। और ये जो मच्छर हैं ये जो है संघ आर्थ्रोपोडा के क्लास इंसेक्टा के प्राणी हैं। सो मॉस्किटो बिलोंग्स टू क्लास इंसेक्टा एंड फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड The embryonic development of mosquito is indirect type. It means they possess a larval stage during their embryonic development. And we are also हम लोग इस बात से परिचित हैं, हमें हम ये जानते हैं कि मच्छर जो हैं उनकी वजह से अनेक खतरनाक बीमारियाँ मनुष्य में होती हैं। Many mosquito species causes some ड्रीडेड डिसीज इन ह्यूमन्स। और इन बीमारियों के उदाहरण हैं मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, येलो फीवर, मेनिंजाइटिस, इस तरीके की चिकनगुनिया, इस तरीके की अनेक बीमारियां हैं जो जिनमें मच्छर एक वेक्टर का काम करता है, मच्छर एक वाहक है। और यह जो इन बीमारियों के बीमारी पैदा करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनको फैलाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बीमारियाँ होती हैं। सो हियर मॉस्किटो एक्ट्स एज ए वेक्टर ऑर्गेनिज्म व्हिच स्प्रेड्स द डिसीज कॉजिंग एजेंट अमंग डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स। और इस तरीके से जो मच्छर हैं ये मनुष्य के स्वास्थ्य को काफ़ी प्रभावित करते हैं। ऐसे में जो लार्वी वोरस फिशेज हैं हमारी, लार्वी वोरस फिशेज आर वेरी हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग मॉस्किटो पॉपुलेशन ड्यू टू देयर लार्वी वोरस हैबिट्स। ऐसे में अपनी लार्वा के भक्षण करने की आदत के कारण जो लार्वी वोरस फिशेज हैं, जो लार्वा बच्ची मछलियाँ हैं, वो मच्छरों की जनसंख्या को या मच्छरों की संख्या को
कम करने में काफ़ी मददगार होती हैं। इन्हें हम एक बायोलॉजिकल एजेंट के रूप में मच्छरों के नियंत्रण के रूप में नियंत्रण के लिए उपयोग कर सकते हैं। सो ड्यू टू देयर लार्विवोरस नेचर वी कैन यूज दीज लार्विवोरस फिशेस इन कंट्रोलिंग ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ मॉस्किटो। एंड वन बेनिफिट ऑफ दिस इज दैट दे आर इको फ्रेंडली। When we use insecticides for the control of mosquito, it pollutes our environment, but the use of larvivorous fishes in control of the mosquitoes is totally eco-friendly and there is no contamination of our air, water or soil. तो ये जो मछलियों का उपयोग है ये eco-friendly है, इनकी वजह से हमारे जो वातावरण है इनमें किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होता, कोई प्रदूषण नहीं फैलता। जबकि जो मच्छरों के कंट्रोल की दूसरी विधियां हैं जो कि रासायनिक विधियां कहलाती हैं, जिनमें हम कीटनाशक दवाओं का उपयोग करते हैं मच्छरों के कंट्रोल के लिए, उसमें उन कीटनाशकों की वजह से वातावरणीय प्रदूषण फैलता है, जिनमें हमारी मिट्टी, हमारे जल, हमारी वायु प्रदूषित हो सकते हैं। तो मछलियों का मॉस्किटो के कंट्रोल में इस्तेमाल करने में एक फ़ायदा यह है कि इससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्लीन रहता है और जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है उससे हमें निजात मिलती है। नाउ वी विल सी नेक्स्ट। अब हम कुछ ऐसी मछलियों का उदाहरण लेते हैं जो कि लार्विवोरस फिशेस के रूप में यूज की जाती हैं, और ऐसी जो मछलियां हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक वो जो स्वदेशी हैं यानी इंडिजिनस हैं, हमारे ही देश की मछलियां हैं, और एक वो जिन्हें दूसरे देशों की वो मछलियां हैं और उन्हें अपने देश में लाके इंट्रोड्यूस किया गया है। तो सबसे पहले हम इंडिजिनस या स्वदेशी मछलियों का एग्जाम्पल लेते हैं। इनमें पहला एग्जाम्पल है नोटॉप्टेरस। नोटॉप्टेरस इस स्पीशीज की जो मछलियाँ हैं ये लार्विवोरस हैं। दूसरी है वेरिलियस, इस स्पीशीज की जो मछलियाँ हैं वो भी लार्विवोरस स्पीशीज के अंतर्गत आती हैं। डेनियो स्पीशीज, पंटियस स्पीशीज एंड मोस्ट पॉपुलर एनाबॉस टेस्टुडिनियस, जिसको हम पर्च के नाम से जानते हैं, ये भी लार्विवोरस स्पीशीज के रूप में उपयोग में लाई जाती है। तो ये कुछ स्वदेशी जो लार्विवोरस स्पीशीज हैं उनके उदाहरण हैं। इस तरीके के कई इंडिजिनस मछलियां हैं जो कि लार्विवोरस फिशेस के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। ये कुछ मुख्य मुख्य एग्जाम्पल हैं उनके, नोटॉप्टेरस, वेरिलियस, डेनियो, पंटियस और एनावास। अब हम लोग कुछ एग्जॉटिक वैरायटीज हैं जो कि दूसरे देशों से लाके अपने देशों में उन्हें कल्चर किया गया है, उनका पालन किया जा रहा है, और ऐसी वैरायटी को हम एग्जॉटिक वैरायटी कहते हैं। आइए इनको देखते हैं। जो लार्विवोरस मछलियों में जो एग्जॉटिक वैरायटियां हैं यानी कि जो विदेशी मछलियां हैं, उनमें से जो सबसे प्रसिद्ध मछली है वो है गैम्बूसिया एफिनिस, मोस्ट पॉपुलर फॉर द कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो इज गैम्बूसिया एफिनिस। एंड सेकेंड इज लेविस्टस रेटिकुलेटस एंड थर्ड इज कारासियस कारासियस। तो ये तीन मुख्य वैरायटियां हैं जो कि एग्जॉटिक फिशेज हैं, दूसरे देशों से लाके अपने जलाशयों में मीठे जल के स्रोतों में ये पाली जा रही हैं, और इनका इस्तेमाल भी हम लार्विवोरस फिशेज के रूप में करते हैं। तो ये कुछ विदेशी और स्वदेशी मछलियों का एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा जो कि लार्विवोरस हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो लार्विवोरस फिशेज हैं इनकी विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये कि ऐसी मछलियां जो है वो तेज तैराक होनी चाहिए ताकि वो किसी भी ऐसे पर्वतीय जीवों से अपनी सुरक्षा कर सके। दूसरी चीज़ यह है कि ये जो हमारा लोकल एनवायरनमेंट है या जहाँ पर इनको डालना है वो
उसके अनुकूल होनी चाहिए। बहुत स्वादिष्ट नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज इनका जो है फिर लार्विबोरस के रूप में इस्तेमाल कम होगा, बल्कि इनका ऐसे फूड इस्तेमाल ज़्यादा हो सकता है। तीसरी चीज़ यह है कि ये परभक्षी नहीं होनी चाहिए, मतलब परभक्षी का यहाँ पर क्यों समझिए कि परभक्षी का मतलब यहाँ पर वो दूसरे जीवों को भले उनका भक्षण करें लेकिन मछलियों का भक्षण करने वाली नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर हम इनको अपने ऐसे तालाबों में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जहाँ पर इनके साथ कुछ और मछलियाँ या कार्प वगैरह हम पाल रहे हैं, तो ये उनको खाने वाली नहीं होनी चाहिए। ये केवल जो हमारे मॉस्किटो हैं या दूसरे अन्य जीव हैं उनके लार्वा का भोजन करने वाली होनी चाहिए। तो फास्ट स्विमर होना चाहिए, बहुत न्यूट्रिटस नहीं होना चाहिए, अलग अलग वातावरण में सर्वाइव करने वाला होना चाहिए, और मछलियों की परवच्छी नहीं होना चाहिए, मछलियों का भक्षण करने वाली नहीं होना चाहिए। ये कुछ इनकी विशेषताएं हैं जो कि एक लार्विबोरस विशेष को आदर्श लार्विबोरस विशेष बनाते हैं। तो ये रहा लार्विबोरस, इसको जो है अच्छे से समझ के इसको तैयार कर लेंगे। मिलते हैं कुछ अगले टॉपिक के साथ।